हेलो दोस्तों, एक और नई व्लॉग में आप सब लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हम आए थे यहाँ पे उखरेली किसी काम से। देखो उखरेली ये बिल्कुल संतरमपुर के आसपास पड़ता है। तो हम एक काम से आए थे, वो काम जो खत्म हो चुका है तो हम यहाँ पे रिटर्न जा रहे हैं। तो यहाँ पे मस्त नज़ारा है रास्ते में, तो सोचा कि थोड़ा बहुत व्लॉग बनाया जाए आपके लिए। तो नज़ारे देखने के लिए ही मैं स्पेशली वीडियो शूट कर रहा हूँ। बाकी जो है यहाँ से ब्रेकफास्ट किया है हमने थोड़ा बहुत हल्का, तो हम जा रहे हैं अभी रिटर्न। तो बहुत अच्छा नज़ारा आपको देखने मिलने वाला है, और साथ साथ में लिए हमने थम्सअप क्योंकि अभी फिलहाल फोहा और भजिया था मस्त इस वाली जगह पे जो उखरेली बोर्ड है वहाँ पे ही है ये लोकेशन। देखो और यहाँ से हम रिटर्न जा रहे हैं, तो रास्ते में यार नज़ारे काफ़ी ज़्यादा अच्छे होने वाले क्योंकि बहुत ही एकदम पहाड़ी टाइप का व्यू है यहाँ पे। तो हम दोनों भाई आए थे, तो अभी फिलहाल हम रिटर्न जाएंगे यहाँ से संतरमपुर होके सीधे मुरवा हड़प। वीडियो में बने रहना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, इंस्टा पे फॉलो कर देना। तो चले दोस्तों, यहाँ से हम रिटर्न चलते हैं। हमारी गाड़ी यहाँ पे चल रही है एकदम बढ़िया। बाकी जो है आप नज़ारा देख सकते हो यहाँ पे, ये है अपनी बाबा जैसी शक्ल। तो नज़ारा देखिए एकदम, इवन क्लाउड भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो रखे हैं। और यहाँ पे नीलगिरी बोलते हैं इसको गुजराती में, तो नीलगिरी है, बाकी पहाड़ है। और आगे आ चुका है बहुत बड़ा टर्न, और भाई चला रहा है गाड़ी बहुत ताबड़तोड़। तो आगे एक नदी आएगी, तो नदी के पास थोड़ा रुकेंगे एक दो मिनट के लिए। बाकी जो ये पहाड़ काट के रास्ता बनाया है, देखो पहाड़ काटा है एकदम, मतलब ग्रीनरी यार। आपको पहाड़ पसंद है तो ऐसी जगह पे ना हो तो क्या करोगे यार। तो हमको तो बहुत ज़्यादा पसंद है पहाड़। बाकी यहाँ से थोड़ी साइड में करेंगे गाड़ी, एक बार नदी का व्यू देखते हैं। और हमारे गांव के जो एक दो लड़के हैं वो यहाँ पे शायद से उनकी डेथ हुई है, तो देखते हैं वो नज़ारा। आगे ले ले थोड़ा, बाकी यहाँ तो शमशान है यार, तो कोई पीछे पड़ जाएगा बेफालतू का। तो ये देखो नज़ारा नदी का, थोड़ा सा आगे रुकते हैं क्योंकि बीच रास्ते में खड़ी कर देगा, पीछे से को ठोक देगा। ये रहा कुछ नज़ारा, देखो देखो नज़ारा काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो चुका है। गाड़ी यहाँ पे एकदम साइड में करके चल के जाते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंसिडेंस हुआ था, इसी वजह से ही हम देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या था कि हमारे गाँव के जो दो लड़के हैं, मतलब हमारे आसपास के गाँव के थे, तो दो लड़के जो है यहाँ पे नहाने के लिए रुके थे, किसी की बर्थडे पार्टी वगैरह में आए थे, उसके बाद जो है यहाँ पे डूब के मर गए थे। तो ये वही वाली नदी है। यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं ज़्यादा, पर जो है यहाँ पे व्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। देखो यहाँ पर सामने देखो एकदम नीलगिरी बोलते हैं गुजराती में इसका, देखो एकदम कैसे, मतलब वैसे बाल खड़े हो गए ना वैसे दिख रही है। देखो यहाँ देखो ये रहा कुछ पानी। बाकी जो है यहाँ पे चेक डैम बना है आगे, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा संग्रह है पानी का, मतलब काफ़ी ज़्यादा गहरा पानी होगा। बाकी जो है एक बार यहाँ से दिखाता हूँ, देखो ये रहा पानी, देखो जा रहा है फ्लो। चल जो है इस नदी को साफ किया गया, देखो यहाँ पे पाल बनी हुई है। जब मैं पिछली बार आया था तब ये नहीं था, साफ नहीं किया था अच्छी तरीके से, अभी तो फिलहाल साफ हो चुकी है देखो नदी। बाकी जो है व्यू एकदम मस्त है यार, यहाँ पे नज़ारा काफ़ी ज़्यादा सिनेमेटिक है। पीछे देखो यार पहाड़ ही पहाड़ चारों तरफ। बाकी जो है यहाँ से मानगढ़ बहुत ज़्यादा नज़दीक है, 16 किलोमीटर के आसपास है, 16-17 किलोमीटर। वाइट पत्थर है देखो एकदम वाइट, और जो है भैंस जो है अपना चारा चल रही है देखो। तो और रही गाड़ी अपनी, देखो बहुत लोगों की डिमांड है कि यार इको के साथ व्लॉग बनाओ। तो यार आज देखो, आज हम जो है काम से आए थे तो इधर जा रहे थे, सोचा कि व्लॉग बनाए। जो है ये रही अपनी रानी 2370, अपना डिजायर पीके, ये सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना भाई। दोस्तों देखो सामने कितनी खतरनाक गाड़ी आ रही है, देखो एकदम लोग ऊपर बैठे हैं। देखो यहाँ पे क्या है कि क्रूजर और जो मार्शल जीप आती है वो बहुत ज़्यादा चलती है, हमारे एरिया में इको बहुत ज़्यादा चलती है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एरिया में यार डिफरेंट हो जाता है। बाकी देखो दोस्तों ये गाड़ी बिल्कुल नज़दीक से, कितने लोग बैठे हैं देखो यहाँ पे, बहुत सारे लोग बैठे हैं। बाकी जो है यहाँ पे कुछ अलग लेवल का ही चलता है यार। और ये आंटी जी देखिए ये क्या है यार, खतरनाक मंजर जो है, गाड़ी पूरे ओवर लोड चल रही है देखो यहाँ पे, देखो एकदम लोग कैसे बैठे हैं यार वो तो देखो। हम तो आज तक वैसे बैठे नहीं है, इसलिए थोड़ा बहुत अजीब लग रहा है कि हम आज तक ऐसी कंडीशन में बैठे नहीं है। बाकी जो है यहाँ पे भी व्यू देखो, यहाँ पे बहुत सारे गेट है देखो, व्यू यार जबरदस्त है यहाँ पे, ग्रीनरी ही ग्रीनरी देखो यहाँ पे। बाकी यार ट्रैक्टर दोस्तों, ये काफी ज्यादा अच्छा नजारा है देखो, यहाँ पे क्या नजारा है मस्त है एकदम। देखो राजस्थान के बॉर्डर बहुत ज्यादा नजदीक है। बाकी जो है ये देखो से गाड़ी आ रही है, देखो कितनी ज्यादा खतरनाक वे में, देखो पहाड़ी पहाड़ है, देखो एकदम खतरनाक वाला नजारा यार। और एक दूसरी क्रूजर बहुत ज्यादा चलती है यहाँ पे,
एकदम छपरी स्टाइल में। वो देखो गाड़ी जा रही है, देखो कैसी हालत में, देखो एकदम खतरनाक वाला माहौल है यार यहाँ पे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। बाकी जो है नज़ारा तो यार यहाँ पे खतरनाक ही खतरनाक है, पूरा का पूरा पहाड़ी। तो ये क्या है, देखिए 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 लड़ने पड़े, देखो एकदम खतरनाक ताऊ जी जो है अपना गड़ा लेके किसी को जो लड़ने के आ गए थे। देखो चुका है संतरामपुर का बाईपास, यहाँ से राइट जाओगे तो सीधे सिटी में चले जाओगे, संतरामपुर सिटी में। बाकी जो है हमको मुरवाड़ की तरफ जाना है तो हम यहाँ से लेफ्ट हो गए। बाकी दोस्तों ये रखी पुलिस की गाड़ी, कुछ ना कुछ तो हादसा हुआ ही है क्योंकि जो है बहुत सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हो रखे हैं। मस्त नज़ारा, बाकी यहाँ पे छोटी सी नदी टाइप का है, बाकी पहाड़ देखो एकदम मस्त है। जो है ये रास्ता यार बहुत ज़्यादा खराब है यार, हम थक जाएंगे मुरवाड़ तक पहुँचने में क्योंकि यार बहुत ही ज़्यादा खड्डे है, देखो बहुत ही ज़्यादा। ये देखो आगे इसी भी देख सकते हो, यहाँ पे बहुत प्यारी पीले पीले कलर। चलते चलते जा रहे हैं, रास्ता बहुत ज्यादा खराब है, पूरा हिलते डुलते जा रहे हैं। पता नहीं ये रास्ता कब बनेगा यार, रास्ता जब बन जाएगा तब जो मजा ही आ जाएगा। जिंदगी में से कुछ भी अगर ऊपर नीचे होता है यार, जो जा चुका है उसको जाने दो और सिर्फ मौज काटो यार। पर कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो है उसके लिए हमको बहुत प्यारी चीज भी छोड़नी पड़ती है जिंदगी में भी। आपके साथ भी ऐसा कहीं ना कहीं हुआ ही होगा, अपने साथ भी होता रहता है ऐसा। जान से भी ज्यादा प्यारी चीज ना वो भी छोड़नी ही पड़ती है एक ना एक दिन, वो चीज ही आपका रीजन बन जाती है एक ना एक दिन, तो यार उसके यार छोड़ना ही पड़ता है। तो उससे तो बढ़िया यही है कि अपना मौज मारो एकदम। ये रास्ता देखो एकदम, फोन आ चुका है यहाँ पे, फोन आ चुका है दोस्तों। स्कूल के बच्चे ट्रिप पे आए हैं यहाँ पे, हम भी ऐसे छोटे थे तो एक दो बार आ चुके हैं यहाँ पे, और ये आ चुका है देलो जो महादेव का मंदिर है, वहाँ पे बच्चे जा रहे हैं शायद से। नायरा पंप आ चुका है, इसी के साथ हम मोरवाड़ पहुंच चुके हैं। बाकी जो ये रेनॉल्ट की ड्राइवर जो जल चुकी थी, ये समर के टाइम में हुआ था ये कांड, पेट्रोल गाड़ी जल गई यार। तो ये आ चुका है फाइनली मोरवाड़, बहुत सारे खड्डों में कुदा कुदा कर हम फाइनली मोरवाड़ पहुंच गए। बाकी ये आ चुका है मेन चौकड़ी मोरवाड़ का। तो हम अभी फिलहाल मोरवाड़ में, भाई को जो कुछ प्रिंट आउट निकलना है तो जो प्रिंट आउट निकालने गया है। अब देखते हैं घर जाते हैं या किधर जाते हैं वो आपको दिखाएंगे। इंस्टा पे भी 20,000 फॉलोवर हमारे कंप्लीट होने वाले हैं, करीब 700 फॉलोवर ही रह गए हैं। तो इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो फटाफट इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो हमें, अच्छी अच्छी रील देखने को वगैरह की, या फिर आप गाड़ियों में इंटरेस्टेड हो तो आप जो फॉलो कर सकते हो। अभी फिलहाल हम जा रहे हैं संत रोड की तरफ, थोड़ा काम है बैंक में इसी वजह से, बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो अभी फिलहाल संत रोड के लिए हम निकल चुके हैं। बाकी हम गाड़ी इको लेकर घूम रहे हैं, वो बहुत बढ़िया बेनिफिट है क्योंकि यार इको के व्यूवर ज्यादा है हमारी चैनल पे। बाकी जो ये रहा मोटा सा ट्राला जा रहा है, टाटा का लोहा यहाँ पे यूज हुआ है। देखो चैनल देखो पीछे की, कोई गलती से भी ठुक गया ना तो उसका सारा खत्म हो जाएगा, टोटल लॉस में हो जाएगी गाड़ी। देखो अगर गलती से ये गाड़ी ठुकी ना तो आगे से पूरा ये डैशबोर्ड इधर तक आ जाएगा, बीच वाली सीट तक। तो देखो सामने कितना ज्यादा खतरनाक हैवी बम्पर डला है, देखो इससे कहते हैं ओरिजिनल वाला बम्पर। वो लगाना तो इनलीगल है बट जो इसका लगाने का बेनिफिट बहुत ज्यादा हो जाता है। देखो देखिए दोस्तों सामने GHV इंडिया कंपनी है, उसका टिप्पर जा रहा है टाटा का। मटेरियल कहाँ से आता है, एक बारी मैंने ब्लॉक बनाया था जो जहाँ पे मतलब डूंगर की खुदाई चल रही है, जो डूंगर 2 साल से अभी तक तोड़ नहीं पाई कंपनी, वहाँ से ये मटेरियल आ रहा है और यहाँ बोड़ीदरा के तक जाता है यार। बहुत ही ज्यादा लंबा डिस्टेंस तय करते होंगे ट्रक वाले भाई यार, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, करीब 15 किलोमीटर तक वही जाता होगा क्योंकि अंदर से यार बाहर आना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। रास्ता भी एक तो खराब और ऊपर से हैवी लोडेड गाड़ी चलाना यार काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। बाकी यहाँ से निकल रहा है अपना दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, देखो
चंद्रोड़ पहुंच चुके हैं और यहाँ पे गाड़ियाँ देखो यार, इको ही इको, ओनली इको, देखो इको ही इको, देखो सारी यहाँ पे इको का मतलब स्टॉक हो चुका है। यहाँ पे सेकंड हैंड गाड़ियों का चालू कर देना चाहिए यार। और जो जो छोटी छोटी गाड़ियाँ यानी कि थ्री व्हीलर थे जिनके जिनके पास, उन्होंने भी बेच बेच कर इको ले लिया यार, हर जगह पे इको गैराज। बाकी ये देखो टाटा की टियागो कितनी मस्त लग रही है सीएनजी में। ये आ चुका है NH-47 इंदौर अहमदाबाद वाला हाईवे, थोड़े लेफ्ट हो जाएंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे चढ़ा पुलाव लिखा है, और ये क्या है भाई, यहाँ पे हम किसी का मजाक नहीं उड़ा रहे, बट जो है देखो यहाँ पे चढ़ा पुलाव लिखा है और यहाँ पे ये कैसे हो सकता है यार, हाउ इट पॉसिबल यार। यार न्यूटन होता तो फिर से जिंदा होकर फिर से मर जाता। गया जो संतरोड़ पहुंच चुके हैं, और ये रही बैंक ऑफ बड़ौदा, देखो सामने यहाँ पे बिल्डिंग में। तो जो भी हमारा काम है वो फटाफट निपटाते हैं, उसके बाद जो है सीधे घर चलते हैं। दोस्तों जो भी हमारा काम था वो जो है खत्म कर दिया है, और फिर से एक ले लिया है पेप्सी। हम बहुत ज्यादा पी रहे हैं यार आजकल, तो आज तो बहुत दिनों के बाद पिए यार, ज्यादातर मैं नहीं पीता, नहीं तो यार घर वाले डांटते हैं यार ये सब पीने पे। तो अभी जो भी हमारा काम था वो समाप्त हो चुका है, और हम वापसी के लिए निकल चुके हैं घर की तरफ। बाकी ये आ चुका है नायरा का पंप, देखो चलते घर की तरफ सीधे, बाकी ये निपटाते हैं। आप भी फिलहाल साथ चलो। चढ़ा चढ़ा देखो ये चना लिया है हमने, चना देखो, चना और खारसिंग। तो यार ऐसे अजीब आदमी ऐसे उल्टा सीधा खाता ही रहता है पूरे दिन, हमारा पेट कभी भी खाली नहीं रहता है। इसीलिए तो पेट देखो दोनों का, इसका भी बढ़ चुका है और साथ साथ में मेरा भी। और ज्यादातर ऐसा क्यों होता है कि जितने भी मतलब जितने भी आदमी उतनी धुंध क्यों बढ़ी है, वो ज्यादातर ट्रैवल करते हैं या फिर गाड़ी में ज्यादा चलते हैं या फिर गाड़ी में एसी वगैरह का उपयोग ज्यादा करते हैं, उनकी धुंध निकली ही होगी देखना 100%। कंडीशन वैसे ही है यार, देखो पेट कितना बाहर निकला है, कम करते हैं यार, विंटर आने दो। तो ये असली मजा तो ये लोग ले रहे हैं, देखो एकदम गाड़ी में ऊपर लकड़ी के ऊपर बैठकर ऑफ रोड है वो दिखाएंगे, देखो ऑफ रोड कैसा है, देखो रास्ता एकदम खतरनाक। गांव में कैसे कैसे चलती है इको, यहाँ पे शायद से कोई छोटी गाड़ी होगी अल्टो वगैरह तो यहाँ पर टच हो सकती है। देखो एकदम कॉर्नर पे देखो घास कितना बड़ा है वो देखो यार, एकदम खतरनाक वाला यार। गांव में हकीकत में सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब है यार, क्योंकि यहाँ पे रोड निकले तब भी दिक्कत है, ना निकले तब भी दिक्कत है यार, अगर निकला तो आसपास के लोगों को दिक्कत होती है यार, यार बहुत ज़्यादा खतरनाक मामला होता है, इसलिए गाँव में इको ज़्यादा चलती है। फिलहाल शाम के 6 बज चुके हैं, और जो है आज हमने गाड़ी चलाई 135 किलोमीटर इको को, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। सीएनजी इसमें करीब जो है अभी भी आधा टैंक बचा हुआ है, तो यार काफ़ी ज़्यादा अच्छी माइलेज दी गाड़ी ने यार, 20 से ऊपर ही दिया, क्योंकि हम दो ही भाई गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे इसी वजह से, और गाड़ी में कोई भी लोड नहीं था। और हम किसी काम से गए हुए थे, उसके बाद जो है बैंक ऑफ बड़ौदा में जाना पड़ा संतरोड, तो यार पूरा दिन निकल गया यार ऐसे बातों बातों में, यार काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, गाड़ी को चलाने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा मज़ा आया। बाकी जो है नज़ारे संतरामपुर के आसपास यार बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तो उम्मीद करता हूँ व्लॉग में से कुछ ना कुछ पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना।